आज का मैच बहुत ही मजेदार होगा क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। हमारी टीम की टॉप क्लास बॉलिंग और फील्डिंग रही है। मैच के दौरान मैं अपने स्कूल के पुराने दोस्त और एक सब्सक्राइबर से भी मिला, तो क्या क्रिकेट कार्डियो कर पाएगा चेस जानने के लिए पूरा देखिए व्लॉग। पर हाँ, कौन से दो बैट्समैन की आपको पार्टनरशिप बहुत पसंद है उनका नाम कॉमेंट करके मुझे जरूर बता देना। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. भाई आज है संडे का दिन एंड सुबह के 8-9 बज रहे होंगे, भाई 9 बज रहे हैं। आज हमारा एक और क्रिकेट मैच होने वाला है, T20 है और 20 ओवर का होने वाला है। तो फर्स्ट स्लॉट नहीं है, सेकंड स्लॉट का मैच है। तो भाई 11 बजे के आसपास मैच शुरू होएगा। जस्ट अभी उठा हूँ, कल हम चांदनी चौक जा रखे थे भाई, चांदनी चौक से थक गए थे काफी, रात को आए थे बिल्कुल, एंड सही रेस्ट मिल गया। चलो अब चलते हैं, फ्रेश होते हैं, आज हमारा क्रिकेट मैच है, एनर्जी लाते हैं अपने अंदर एंड बाय। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं सुबह सुबह है? सुबह है, हुई है सुबह। अबे यार एस्टोनिया किनो। भाई किट मेरे पास है नहीं, थोड़े बहुत सामान है, हेलमेट वेलमेट और बैट वैट लेके जाने हैं। किट यश के घर पे पड़ी हुई है, यश लेके आएगा सीधा मैच में, तो किट भी पैक नहीं करनी आज। और देखते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई दोपहर शाम हो जाएगी आते आते, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी धीरे धीरे फॉर्म आ रही है, विकेट कीपिंग भी करने वाला हूँ और बैटिंग भी शायद आ जाए नहीं आ जाए पता नहीं, विकेट कीपिंग तो पक्का करने वाला हूँ। भाइयों ये सामान है जो हमारे पास है, इसे हम एक बैग में डाल के ले जाएंगे। और भाई आज हमने इनसे किट पैक कराई है। हमारे क्रिकेट कार्डियो को छोड़िए, क्रिकेट कार्डियो की किट पैक करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप रोज करेंगे? यस। क्या होता है ये कौन सा यस होता है? आज यार अगर हिटिंग का आता ना भाई, ये बहुत प्यारा बल्ला है यार, सचिन का बैट है, सचिन इससे शायद हिटिंग करता था, तो आज शायद हम इसको यूज करने वाले हैं, देखते हैं कैसा रहेगा ये बैट। ओ यार ओके, ओह या स्ट्रेट ड्राइव। आज हमने दो दो शेफ को काम पे रखा है, एक शेफ बहुत ही यहाँ पे एक्सपीरियंस है और एक नूब शेफ। बट ये नूब शेफ किस में एक्सपीरियंस है मामा? चक्कू यहाँ से डराया जा रहा है, रायता बनाया गया है। नूब रायता लग रहा है मुझे ये भी। अहिंसा हुई है, मम्मी ये बनाए हुए पराठे, दीदी का बनाया हुआ रहता, फटाफट से खाते हैं। 9:30 हो चुके हैं, 5-10 मिनट में खा के फिर निकल देते हैं यार अब, और सीधा अब आपको देखने को मिलेंगे सिनेमैटिक्स इन 3-2-1। भाई के नींद में, भाई आज तू भी नींद में, मैं भी थोड़ा सा लेट उठा था। तो भाई ग्राउंड में हम आ चुके हैं, बट फिलहाल अभी मैच चल रहा है। मैच भाई मैं कहाँ से दिखाऊं, पीछे से आप सभी को दिखेगा नहीं, वहां से दिखा दो एक बार, ये तो सो जाएगा थोड़ी देर में। तो एक बार किट पैक कर लेते हैं, कॉफी पी जाने और फिर चल कॉफी पी। तो भाई आते ही भैया ने एक नई A6 की जर्सी दी है, पीछे क्रिकेट कार्डियो 27। मैच फिनिश्ड, कैसी लगी लास्ट विकेट? यहाँ पे जो आया था वो बढ़िया। तो भाई ये रही विकेट आज की, भाई बढ़िया लग रही है वैसे तो। क्या सजेशन है आपके, अगर आप टॉस जीत रहे हो तो क्या लोगे? बैटिंग धूप तो भाई रहेगी, धूप तो भाई, बट हवा चल रही है अच्छी बात है। टॉस जीतो और बैटिंग लो, क्योंकि प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस मैच में भाई बैटिंग लो अपनी। कौन सी टीम से खेल रहा? अपोनेंट से तो नहीं खेल रहा भाई, अपोनेंट से खेल रहा है भाई लड़का। A few moments later, चलो आओ लगा के खेलेंगे, ठीक है? 1-2-3 जय माता दी। यस आर यू रेडी? यस सर। भारी रख देना बॉल फिर। अरे हाथ को बुलाओ भाईयो, टॉस हमारे कैप्टन टॉस हार गए हैं और पहले हमारी बॉलिंग आई है
अब करते हैं पहले 20 ओवर की फील्डिंग एंड फिर देखते हैं क्या टारगेट देती है दूसरी टीम। जैसा कि अब हमारी बॉलिंग आ चुकी थी तो यश ने सोचा भाई ये दो चार बॉल क्यों ना डाल के देख लीजिए, क्योंकि पहला ओवर यश ही डालने वाला था। और इसी के साथ मैं भी अपनी थोड़ी बहुत रिसीविंग की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मेरी आंखें सेट हो जाए। आपके लिए स्पेशल लगवाया है। मैंने बोल दिया थोड़ा रन बना दे तो भाई को अच्छी शुरुआत मिल जाएगी, भाई को स्पिनर लगाओ। कवर थोड़ा ऊपर से आ जाओ, ऊपर से आ जाओ। ठीक है, गुड वन गुड वन। यही सामने से डालेगा बीट है, चल शाबाश। बॉल गुड वन गुड वन, डालता रहा डालता रहा, शाबाश। क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बील तेरी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये किया शाबाश शाबाश। मीडियम पेसर के आते ही कैमरा पीछे जा चुका था और इस बॉल पे एक रन आउट का चांस बनता है, बट डायरेक्टेड ना लगने की वजह से बैट्समैन बच जाते हैं। बॉल मारो मारो मारो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बॉल गुड वन गुड वन। देखा तेज का क्लिपर थी, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया पढ़ते ही तेज थी, फर्स्ट क्लास ऐसे मार रहा है। दो तीन जय माता दी। Don't tell me this is Shubham Khatana. How do you do, Mr. Khatana? बढ़िया भाई, अपनी सुनाओ। मैं और शुभम काफी क्रिकेट साथ में खेले हैं स्कूल की तरफ से। फील रुकती खींच खींच खींच, ये हो गया हो गया। फील गुड स्टॉप गुड स्टॉप, गुड वन गुड वन। सर्कल से ले लियो मिड ऑफ। यहाँ पे शुभम बैट चेंज करते हैं क्योंकि ये वाला बैट अच्छे से खुला हुआ नहीं था। आवाज कर रहा है तो देखिए कोई मिस टाइम हाथ में दे दे। कैच बैट गई था, चौके वाली थी मार की, इसके बैट ऐसा हो गया। मेरे साथ स्कूल में था, एक कप्तान था, कैच लेने लगे गुड कैच किया गुड कैच। एक दो तीन जय माता दी। एक कुड़ी जीदा मोहब्बत गुम है, शायद लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, मुझे तो पूरा पूरा लग रहा है। All that! बैटी तो लगाया भैया का, मैंने तोड़ना मारी है। यहाँ पे आपने ध्यान से देखा ही होगा, बैट्समैन ने जैसे ही शॉट खेला उनका बैट थोड़ा सा ज्यादा पीछे आ चुका था और बैट उनका स्टंप्स पे लग गया था। मैंने अपील करी थी हिट विकेट के लिए, बट अंपायर का कहना था कि भाई ये तो नॉट आउट है क्योंकि बॉल डेड ऑलरेडी हो चुकी है। तो ठीक है भाई, अंपायर का हमने कहना मान लिया और फिर दोबारा से हम गेम में फोकस करने लग गए। मार दे भाई, थ्रो थ्रो राइड है यार,
बहुत बढ़िया डाई हमारी भाई ने, बहुत बढ़िया कमिटमेंट, एक नंबर यार। दोनों बढ़िया डाई मारे और एक नंबर यार। बैठिए पैड दिए भाई, पैड भी लगे सीधी हो खट देनी। चार रन आउट भाई ने पहला ओवर डाल के चार विकेट ले लिया यार, सही है ना, सही कह रहा हूँ, सही पहले ओवर में नहीं, पहला ओवर डाल के चार विकेट। कैसा लगा आज बॉलिंग डाल के, काफी टाइम बाद आपको चार विकेट भी अलग था जब स्टार्टिंग में वहां पकड़ी ना, तभी एक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज भी अलग थी। अब हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक भाई, 36 रन है, 5-6 विकेट हो चुके हैं, विकेट मुझे पता नहीं 10 ओवर हुए हैं, 36 रन 5-6 विकेट, देखते हैं कितना ओवर बना पाती है दूसरी टीम, और बैटिंग मुझे नहीं लग रहा जा पाएगी, देखते हैं बाकी। साइड चेंज होते ही पहली बॉल लेग साइड में दी और भाई बहुत ही अच्छी दिशा दिखा दी 4 रन के लिए। पैड़ा स्ट्रेट अंपायर, बहुत बढ़िया, वेरी वेल बॉल रवाड़े, 1-2-3 जय माता दी। एक कॉट बिहाइंड कर लिया आपके भाई ने, जो लास्ट मैच में मैंने गलती करी थी, इजी कैच के चक्कर में ड्रॉप हो गई थी, इस बार वो नहीं करा, मैंने पूरा फोकस करा बॉल पे लास्ट तक, अपनी गलतियों से जरूर सीखे, आपने लास्ट मैच में देखा होगा बहुत इजी कैच मैंने ड्रॉप करी थी। डेथ ओवर्स में कैसे यॉर्कर मारनी चाहिए, ओ भाई कोई इनसे सीखे ये चीज। एक नंबर यॉर्कर, स्लोर वन अपना काम कर गई भाई। वो एक इनिंग पूरी हो चुकी है, दूसरी टीम ने 63 रन्स बनाए हैं 16-17 ओवर में, हमने उन्हें ऑल आउट कर दिया और अब जा चुके हैं दूसरी टीम फील्डिंग के, और चलते हैं बैट वैट करते हैं अपने बढ़िया। Meanwhile, तो भाई वहाँ पे चल रहा है मैच और हम मैच खेल रहे थे, तभी हम एक सब्सक्राइबर आए, भाई अपना नाम बता दीजिए। पार्थ आए हैं और ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, यहाँ पे अभी इनका भाई मैच खेलने आ रखा था, भाई ने स्टोरी देखी कैसे थे? हाँ जी, स्टोरी देखी थी, उसके बाद मैंने फिर ये इस ग्राउंड को, मतलब आप पहचानते हो ये ग्राउंड की, क्योंकि मैंने अभी स्टोरी बनाई थी, आप या तो यहाँ पे खेले हो गए नहीं,
खेला नहीं मैंने, वो स्टोरी देखी फिर मैंने सीधा कैब बुक करी और मैं। अरे भाई थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे साथ भाई के, मतलब जो छोटा भाई है उनसे भी हमने कॉल पे बात कर लिया भाई, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और क्या पसंद क्या आपको व्लॉग्स में, क्या पसंद है? वॉइस ओवर वाला देखा था आपने व्लॉग? सब देखा है, जो अभी वॉइस ओवर वाला तो कल ही आया। हाँ वॉइस ओवर वाला कैसा लगा, उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर जेन्युइन बताओ अपना जो बेटर है? अरे शुक्रिया भाई, आज भी मतलब आज सही थी कीपिंग, मजे आए। देखना ये वाला ब्लॉग आपको आ जाएगा, इस वीक में ही आ जाएगा कभी, ठीक है? ओके ब्रो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके भाई। अब कंटिन्यू करते हैं, हम मैच देखते हैं अपना, बढ़िया देखते हैं बैटिंग आ पाएगी या फिर नहीं। ये बैक ऑफ द हैंड बॉल थी और बैट्समैन पहचान नहीं पाए, इसकी वजह से बोल्ड हो गए। उसी के नेक्स्ट ओवर में बहुत ही बढ़िया बाउंसर डाली शुभम खटाना ने और बारी आ चुकी थी आपके भाई की। जय हो। एंट्री लेते ही मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रही थी, क्योंकि टारगेट ज्यादा नहीं था तो मैं अपना टाइम आराम से ले सकता हूं। स्कोर था 21 runs for 2 wickets in 3.2 overs। ज़्यादा जल्दी बुला लिया। नेक्स्ट टेक। थैंक यू। ये वाली बॉल मेरे रेंज में थी इसीलिए मैं खेलने चला गया था, बट लास्ट में जाते आते मैंने इसे लीव कर दिया। स्वागत किया है। शुभम खटाना बैक टू बैक उसी लेंथ पे हिट करे जा रहे थे ताकि मैं शॉट खेलूं और कुछ ना कुछ गलती करूं। या मिड ऑन। खेलो खेलो पूरा खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, रन काफी है यार, विकेट नहीं देनी अभी, दो विकेट बहुत जल्दी गिरी है, बढ़िया अपने आराम से खेलेंगे। आ जाओ। वेट। भागो भागो भागो। ओके चौका शॉट भैया शॉट। अरे वो क्या थी, थोड़ी तेज मारी थी उसने। या तो तुझे जल्दी आना चाहिए था, थोड़ा तू थोड़ा सा लेजी, मतलब वो तू आराम से खेल गया ऐसे, इतना में घुस चुकी थी वो। वेट। ये वाले शॉट में टाइमिंग बहुत अच्छी थी बट प्लेसमेंट मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, वरना 4 रन आसानी से मिलते हैं। या आ सकते थे, कोई नहीं। इतनी स्पीड फेंकने लग गया आजकल। भाई देख 17-18 ओवर फील्डिंग करी है उतने में ही बना रहे हैं, सीधी सी बात है, अपने खेल बढ़िया, डिफेंस मिडल मिडल नहीं। थैंक यू भाई, चलो खेलिए ठीक है। स्विंगिंग तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से बॉल दिख रही है, बाउंसर चेक कर लिया, आधी मारेगा, लास्ट बॉल है वैसे की। वेल प्लेड। वेट ऑन। यार भाई देखो वो चल गया, आजा चक्कर देख के बैठो भाई। वे यार बॉय तेंदर अंदर मेडल नहीं।
बाहर ही थी। आजा 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 एक और। इस बॉल पे आप सभी ने देखा ही होगा मैंने फील्डर पे प्रेशर बनाया, उसकी वजह से एक नहीं हमें दो रन मिल गए। कोलपुरी देख के ठीक है खेलना पूरा शाबाश। चल आ जाएगा बहुत दूर है। चल आराम से भाग। चेक करना भाई 10 ओवर में 42 रन है और 4 विकेट हम खो चुके हैं। 24 रन चाहिए अभी 10 ओवर में, देखते हैं क्या हम चेज कर पाएंगे या फिर नहीं। आपका भाई खड़ा है, देखते हैं कितने ओवर में हम चेज कर पाते हैं। पिछले मैच में जो गलती करी थी वो नहीं कर सकेंगे इस मैच में। अब एंजॉय कीजिए दो बैक टू बैक पुल शॉट्स। शॉट हो गया हो गया बड़ा आपको। मेरे को मैंने कर ली अपनी बैटिंग, तू देख ले अपनी 60 रन में इतनी बैटिंग मिल गई बहुत है। वही तो कह रहा था चौका मारते हुए यार जीत गए। मैं तेरी बाउंसर का वेट कर रहा था यार, खटाना जिसे चीटिंग यार डालेगा खटाना अब डालेगा। प्लेट है प्लेट शाबाश। तो भाई आज का मैच खत्म हो चुका है भाई। सबसे पहले हमारी बॉलिंग थी और हमने 65 पे ऑल आउट कर दिया था दूसरी टीम को इन 16.3 ओवर्स, जिसमें से भाई यश भाई हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। इनकी मैंने स्टैट्स बता देता हूँ एक बार, यश ने 4 ओवर में 1 मैडन फेंका है, 16 रन और 4 विकेट लिया भाई। 4 की इकोनॉमी बहुत बढ़िया बॉलिंग, काफी टाइम बाद भाई को मैन ऑफ द मैच मिला है और भाई चेज करने उतरी। थोड़ा सा प्रेशर था हमारी टीम पे क्योंकि अच्छे बॉलर थे, एक राइट आर्म शुभम भाई मेरे स्कूल का था वो भाई, और एक लेफ्ट आर्म बढ़िया फेंक रहे थे, उनकी बाउंसर्स भी काफी अच्छी पड़ रही थी। तो हमने भाई 5 विकेट खो दिए थे और 12वें ओवर में हमने चेज कर लिया। इसमें भाई हाईएस्ट रन स्कोरर मैं ही था, 20 रन मैंने बनाए हैं और मैं बहुत टाइम से मतलब चाह रहा था कि मैं चेज करके वापस जाऊं, मेरे को आउट नहीं होना था इस बार, तो वैसा ही कुछ हुआ है वैसा ही। और भाई शक्ल आप देख सकते हो पूरी लाल और ऐसी हो गई है, बहुत ज्यादा सन है भाई, बहुत ज्यादा सन है। मैंने किट वेट भी नहीं उतारी है, अपने पैड वैड उतार के और अब जाएंगे सीधा घर पे रेस्ट करेंगे। तो वॉइस ओवर अगर आपको पसंद आई हो आज का, मैंने थोड़े से वॉइस ओवर दिए थे, ज्यादा
ज्यादा एक एक पॉइंट के बारे में नहीं बताया, तो मुझे कमेंट करके बता देना कौन से दो बैट्समैन की आपको पार्टनरशिप बहुत पसंद है, उनका नाम कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना, एंड आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में। आपका भाई लगा रहेगा, पूरी मेहनत करेंगे, चाहे कैसा भी दिन हो, कैसी भी विकेट हो, पूरी मेहनत से खेलेंगे, अपना 100% देंगे, हमारा यही मोटो है। और एक भाई बहुत प्यारे सब्सक्राइबर आए थे, शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगता है, दिल से शुक्रिया भाई ने मुझे ऑल द बेस्ट बोला था बैटिंग के लिए यार। और आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। Yeah, that's it.